अगर आप भी अपने पिता से प्यार करते हैं ना, तो इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। आपकी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। एक गरीब किसान अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर IAS बनाता है। एक दिन वो अपने बेटे से मिलने जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के उससे पूछता है, बेटा एक बात बताओ, हम दोनों में से शक्तिशाली कौन है? तो बेटा कहता है, पापा मैं हूँ। पिता का चेहरा उतर जाता है और वो उदास होके वहाँ से जाने लगते हैं। फिर अचानक पता नहीं उनके मन में क्या आता है, वो पीछे मुड़ के फिर से पूछते हैं बेटे से, बेटा एक बार और सोच कर बताना, हम दोनों में से शक्तिशाली कौन है? तो बेटा कहता है, पापा आप। तो पिता कहते हैं, बेटा अभी तो तुमने बोला कि तुम हो, अभी तुम बोल रहे हो कि आप। तो बेटा कहता है, पापा जब तक आपका हाथ मेरे कंधे पे है ना, तब तक मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। लेकिन अब आपका हाथ मेरे कंधे पे नहीं है। ये सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बात तो सच है यार कि अगर पिता का हाथ कंधे पे हो ना, तो पूरी दुनिया मुट्ठी में लगती है। पिता के लिए दो लाइन है कि मुझे रख दिया छाँव में, जलते रहे खुद धूप में, कि मुझे रख दिया छाँव में, जलते रहे खुद धूप में, देखा है मैंने एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में।